लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के एक स्कूल में बच्चे जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहां स्कूल भवन की छत से बरसात का पानी टपकता है, जिससे 5 क्लास की कक्षाएं एक ही कमरे में लगाई जा रही हैं। पूरा मामला गौरेला विकासखंड के कोटनी खुर्द के आश्रित ग्राम ठोरगी पारा का है। मिली जानकारी के अनुसार इस प्राथमिक स्कूल में करीब 50 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल भवन जर्जर हालत में है। बरसात का समय है, 4 कमरों के स्कूल भवन में एक कमरे को छोड़कर सभी कमरों में बारिश का पानी टपकता है। इस वजह से मजबूरी में शिक्षकों को सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है, जिससे उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। इसके अलावा जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए जान खतरा भी लगातार बना हुआ है। पूरे मामले में शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने स्कूल के जर्जर हालत की जानकारी अधिकारियों को भी दी है, लेकिन अब तक समस्या का निदान नहीं हुआ है। शिक्षकों ने बताया कि यह समस्या लगातार 10 से 12 सालों से बनी हुई है। बरसात के समय एक ही कक्षा में सभी बच्चों को बैठाया जाता है और जो भी एक्टिविटी संभव हो सके वह कराया जाता है। और बच्चे हैं मेरे, मतलब भाई भतीजे के लड़के लोग यही पढ़ रहे हैं। काफी स्थिति खराब है, पानी तो जगह जगह पानी गिर रहा है। कैसे दिक्कत होती होगी ऐसे में बच्चों पढ़ाई में? अब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यवधान होना ही होना है सर। अब एक कमरा बता तो रहे हैं, एक कमरे में बैठाते हैं और जब जिस दिन पानी नहीं गिरता उस दिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई चलता है, बाकी सब एक कमरा में जानवर की तरह ठूस के भरे रहते हैं। लगातार छत से पानी टपकता है? बिल्कुल सर, लगातार डर लगा रहता है कभी स्कूल गिर ना जाए। बिल्कुल डर बना ही रहता है और 10 बजे से 4 बजे तक के जवाबदारी सब स्टाफ वालों का था, सर लोगों का। ये शासकीय प्राथमिक शाला ढोड़गी पारा सर। क्या स्थिति है स्कूल भवन? इसकी स्थिति बहुत खराब है सर। जगह जगह सीपेज है जी, एक कमरा छोड़ के बाकी सभी कमरे में पानी का सीपेज शुरू हो जाता है। कितने बच्चे पढ़ते होंगे इस स्कूल में? अभी तो फिलहाल 43 है सर। 43 बच्चे जो है काफ़ी लोगों से परेशान है, पानी गिर रहा है, सीपेज हो रहा है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई में प्रभावित तो होती होगी? अब 2-3 महीना तो ऐसे ही गुजर जाता है सर। सितंबर से उधर फिर कंटिन्यू अलग अलग डिवाइड करते हैं क्लास, फिर चालू होता है। नहीं तो बस एक कमरे में बैठा के और जो भी एक्टिविटी रहता है वो फिर जो बनता है वो करवाते हैं। कितने सालों से ये समस्या बनी है? ये सर लगातार कम से कम 10-12 साल से बना हुआ है सर इसकी स्थिति। उच्च अधिकारी को कुछ बरसात के दिनों में जिस तरह सीपेज होता है तो जान जोखिम से भी पता रहता होगा? क्या करें सर, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके सिवाय। डर लगता है कब गिर जाए? डर तो बहुत बना, दिन भर लगा रहता है सर जी। उच्च अधिकारी से इसको संज्ञान में दिलाया गया है कभी, उनकी तरफ से क्या बोला जा रहा है? वो सर जब पूछे गया कि किनके स्कूल डिसमेंटल हो गया है, तो अभी FLN ट्रेनिंग में मैंने खुद प्रशिक्षण में BO साहब के सामने एंट्री कराया था स्कूल को कि मेरे स्कूल सर डिसमेंटल गया है, आप नोट कर लीजिए। तो उसको नोट भी किए थे और आश्वासन भी दिए थे कि ठीक है उसको डिसमेंटल योग्य बना दिया जाएगा कह के, लेकिन आज तक तो अभी कुछ नहीं आया सर। इसी तरह का आदेश बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए कोई आदेश आप लोग को मिला है? नहीं सर, ऐसा नहीं है जी। आइए सर। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.